हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण। आई एम निशित चोटलिया फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पाट गांधीनगर, रिप्रेजेंटेटिंग दिस सेशन फॉर द सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन्स सेम सेवन इलेक्ट्रिकल। सो इज प्रीवियसली वी स्टार्टेड अवर यूनिट टू इज अ डिज़ाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, in which we already discussed the output equation for single phase induction motor. Then after we discussed some things about the loading of the machines that are choices for the electrical loadings, as particularly the value for specific magnetic as well as electrical loading values. तो उसके लिए आपको एवरेज फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग की जो भी वैल्यू है वो क्या रहेगी, या फिर हम डिजाइन के लिए वो वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, उसको हमने मेंशन किया है। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस यूनिट इज कंपेरिजन फॉर सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन दी इट्स डिजाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल वन इंट्रोडक्टरी पोर्शन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड एज एन एग्जाम्पल एज वेल एज दे कैन आस्क इन टर्म्स ऑफ द थियरी क्वेश्चन। तो उसके अंदर आपको क्या या फिर कैसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो आपको ऐसा पूछते हैं कि भाई सेम डायामीटर है आपके बोर का प्लस उसकी लेंथ फॉर दी स्टेटर बोर डायामीटर, और उसके हिसाब से अगर हम सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो भी उसकी कंपेरिजन करो या फिर उसके वैल्यू एक दूसरे के रिलेशन में कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए या फिर होगी, तो वो हमें कैसे मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सिंगल फेज मोटर या फिर थ्री फेज मोटर में सेम डी एंड एल के लिए बात कर रहे हैं, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, जो कि हम प्रीवियस केस में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो डी और एल की बात है वही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई डी और एल सेम है, तो आपको इन सारी चीज़ों में से वेरी कौन सी चीज़ें होंगी, या फिर अगर आप कोई मशीन की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आपका सिंगल फेज या फिर थ्री फेज मशीन है तो इसमें आपके आउटपुट कोफिशिएंट में कौन से वेरिएशन आएंगे या फिर कौन से चेंजेस होंगे कि जिसके ऊपर से हम सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका डी स्क्वायर एल का इक्वेशन जो भी बनता है वो क्या है, एच पी जो कि उस पावर रेटिंग है, देन आफ्टर 0.746 इज अ कॉन्स्टेंट एज वेल एज देन आफ्टर एफिशिएंसी वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, पावर फैक्टर भी कॉन्स्टेंट है जो कि सिंक्रोनस स्पीड है वो भी, तो बाकी बचता है आपका सी ज़ीरो। सो वॉट इज दी वैल्यू फॉर दिस सी ज़ीरो, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सी ज़ीरो की वैल्यू क्या है। तो सी ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू, आपको ये मैंने वैसे तो आपने ये क्वेश्चन में भी आपने स्टडी किया और प्रीवियस केसेस में भी किया है कि 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी इंटू के डब्ल्यू इंटू 10^-3। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आपकी सिंगल फेज या फिर थ्री फेज मोटर है तो उसमें कौन से पैरामीटर्स वेरी होंगे, जो कि अभी एक सिर्फ सी ज़ीरो ही कॉन्स्टेंट है। अब सी ज़ीरो में भी पर्टिकुलरली कौन सा पैरामीटर है जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, तो ये 11 वैल्यू कॉन्स्टेंट है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग्स आर कॉन्स्टेंट्स, दिस इज 10^-3, सो दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो रिमेनिंग पोर्शन या फिर पार्ट बचता है के डब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर। क्लियर, ओके। सो हम वाइंडिंग फैक्टर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाइंडिंग फैक्टर का इक्वेशन क्या है, इट इज़ दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या फिर के पी
इंटू के डी, क्लियर? ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर जो कि आपकी, हम दोनों मोटर की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए के पी और के डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस उसके ऊपर से हमें के डब्ल्यू जो कि वाइंडिंग फैक्टर मिलेगा उसे हम सी जीरो की वैल्यू में रखेंगे, और उसके बाद हम उसे कंपेयर करेंगे हमारे आउटपुट इक्वेशन के साथ। देन आफ्टर एक कुछ वैल्यू मिलेगी या फिर एक कॉन्स्टेंट जैसी वैल्यू मिलेगी फॉर सिंगल फेज, सेम वे थ्री फेज के लिए भी वो वैल्यू मिलेगी। उन दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इन दोनों का रिलेशन क्या है, जब हम कॉन्स्टेंट डी एंड एल या फिर सेम डी एंड एल लेते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर के लिए, तब तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे के पी एज वेल एज के डी, मतलब कि पीच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, सो इन द केस फॉर द सिंगल फेज मोटर व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर उसकी वैल्यू क्या है, के डी। तो उसके लिए जबकि सिंगल फेज है तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉइल रहती है, तो आपकी एक कॉइल कितने डिग्री में कन्वर्ट होगी, 180 डिग्री में, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हम पेयर में होती है, हमारे जो भी आपके कंडक्टर्स होते या फिर आपकी जो भी वाइंडिंग है तो वो पेयर में कन्वर्ट होते, तो यहाँ पे होता है 180 डिग्री, क्लियर? टोटल हमारे पास कितने डिग्री को हम अवेलेबल है तो वो बनता है 180 डिग्री वाइंडिंग के लिए। अब उसके अंदर हम कितने वाइंडिंग प्लॉट करते हैं वो बनेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आप कितने 180 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट कितने से करोगे, एक में से, क्योंकि हमारे पास सिंगल फेस है तो सिंगल रहेगा, अगर वहाँ पे तीन बन थ्री फेस है तो थ्री होंगे, क्लियर? तो सिंगल फेस के लिए हम डिवाइड बाई वन करेंगे तो वो 180 डिग्री में स्प्रेड होगा, आपका जो भी स्टेटर वाइंडिंग है वो 180 डिग्री में स्प्रेड होगा। तो इन केस ऑफ थ्री फेज क्या होगा, 180 डिग्री तो एज इट इज है कि भाई हमारे पास टोटल कितना एरिया है, 180 डिग्री, उसके अंदर हम थ्री फेज को करते हैं वाउंड, तो पर फेज आपके लिए कितना बनेगा, 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू 180, सो यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री फेज मोटर के लिए 60 डिग्री, क्लियर? ओके, तो वहाँ पे 60 डिग्री में वाउंड होगा पर फेज, लेकिन सिंगल फेज के लिए वो बनेगा 180 डिग्री में। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो इक्वेशन है तो वो क्या बनता है, के डी दैट शुड बी साइन इंटू सिग्मा बाई टू, क्योंकि सिग्मा क्या है या फिर कितना होगा, तो है 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास कितना उसका जो भी एरिया है या फिर पेरीफेरी का एरिया है वो कितने डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बनता है साइन सिग्मा बाई टू, क्लियर? टू किसके लिए है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो पोर्शंस रहते हैं, मतलब एक सिंगल फेज है तो आपके दो वाइंडिंग होंगे, एज वेल एज यहाँ पे भी आपने ये इक्वेशन आपने डबल ईडी में पढ़ चुके हैं वैसे तो साइन सिग्मा बाई टू अपन सिग्मा बाई टू, क्लियर? ओके, और सिग्मा कितना है आपका, पाई, तो साइन पाई बाई टू डिवाइड बाई पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू 2 बाई पाई, क्लियर? ओके, वही चीज़ जब हम थ्री फेज के लिए डिस्कस करते हैं तो क्या बनता है कि आपका टोटल एंगल जो कि सिग्मा बाई थ्री फेज है तो 6 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे के डी क्या बनेगा, साइन सिग्मा बाई 6 डिवाइड बाई सिग्मा बाई 6। ओके, तो उसके ऊपर से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, साइन सिग्मा जो कि पाई है, सिग्मा की वैल्यू तो हमारा क्या बनेगा, साइन पाई बाई 6 डिवाइड बाई पाई बाई 6, तो दैट इज इक्वल टू 3 बाई पाई। तो ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, क्लियर? ओके, नाउ वी विल टेक द वैल्यू फॉर पिच फैक्टर। तो आपके जितने भी वाइंडिंग के लिए आप अरेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेट सपोज एट दैट टाइम या फिर जितने आपके स्लॉट्स है उसमें हमारा जो भी वाइंडिंग है तो वो पूरे स्लॉट्स में आ जाता है, तो हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कोडिंग की बात चल रही है, के डी, के डी एक्चुअली वो जो कोडिंग है, सॉरी के पी, जो कि पीच फुल पिच वाइंडिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे के पी एक बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोडिंग नहीं कर रहे, या फिर प्रीवियस केस में जबकि हम थ्री फेज मोटर की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि भाई आप
डिज़ाइन करते हो तो वो आपके जो भी स्लॉट्स होते हैं उसमें से जो आपका वाइंडिंग है वो फुल पिच नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि भाई आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए उसके बदले कम वैल्यू लेते हैं, या फिर उसके नंबरों जो भी स्लॉट्स हैं उनसे कम नंबर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो हम फुल पिच वाइंडिंग कर रहे हैं, जो कि एक कंडीशन आपको पहले ही दी हुई है कि यहाँ पे हम फुल पिच वाइंडिंग यूज़ करेंगे। तो एट दैट टाइम आपके पास क्या हुआ कि पिच फैक्टर इन दी बोथ दी केसेस फॉर सिंगल फेज एंड थ्री फेज दैट शुड बी 1 = 1, तो केपी आपका दोनों केस में बनेगा 1। क्लियर? ओके। नाउ हमारा जो भी इक्वेशन था जो कि मैंने प्रीवियस केस में बताया आपको कि डी स्क्वेयर एल, तो डी स्क्वेयर एल में सिर्फ कांस्टेंट क्या था यहाँ पे, तो 0.746 इंटू एच पी डिवाइड बाई एच पी इंटू 0.746 में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सी ज़ीरो, सी ज़ीरो इज इक्वल टू 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी, जो कि वो सारी वैल्यू कांस्टेंट थी, तो सिर्फ वेरिएबल वैल्यू को ही मैं अभी यहाँ पे डिनोट करूँ तो क्या बनता है डी स्क्वेयर एल फॉर दी सिंगल फेज दैट शुड बी ओस पावर डिवाइड बाय 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी इंटू 10^-3 इंटू एन एस इंटू पावर फैक्टर, सॉरी एन एस नहीं ईटा, जो कि आपका एफिशिएंसी है, बट यहाँ पे एक जो पैरामीटर वेरी होता है वो है के डब्ल्यू, सो के डब्ल्यू शुड बी, के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 2/π। ओके क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि डी स्क्वेयर एल फॉर दी सिंगल फेज मोटर 1/2/π, सो वही वैल्यू मैं अगर आपको सेपरेटली लिख के बताऊँ डी स्क्वेयर एल इज इक्वल टू 1/2/π। ओके। नाउ इफ वी विल टेक द वैल्यू फॉर डी स्क्वेयर एल फॉर थ्री फेज मोटर, तो यहाँ पे क्या हुआ डी स्क्वेयर एल इज इक्वल टू 1/3/π, यहाँ पे 3 है डिवाइड बाई पाई। ओके। सो यहाँ पे डी स्क्वेयर एल इन द केस फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर दैट शुड बी 1/3/π। ओके। सो ये दोनों डी स्क्वेयर एल जो कि सिंगल फेज और थ्री फेज है उन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो क्या बनेगा डी स्क्वेयर एल फॉर सिंगल फेज, तो यहाँ पे बनेगा 1/2π/π और यहाँ पे 3/π, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/π/3/π हो जाएगा। अगर हम रेशियो लेते हैं डी स्क्वेयर एल फॉर दी थ्री फेज विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज बनेगा 2π/π/3/π, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो पहले के केस में 2/π यहाँ पे रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहेगा 3/π, तो ये वैल्यू बनेगी 2/3। तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चला कि जो भी आपके थ्री फेज टू सिंगल फेज का रेशियो है वहाँ पे आपके जो भी रेटिंग्स है वो 2/3 इतने होंगे, मतलब कि अगर मेरा मशीन में सेम डायमीटर सेम डी एंड एल यूज़ कर रहा हो एट दैट टाइम मेरे सिंगल फेज का जो भी आउटपुट रेटिंग होगा उसके 3/2 जितना थ्री फेज का रेटिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 हॉर्स पावर की मोटर सिंगल फेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए जो भी वैल्यू मैं डी एंड एल की ले रहा हूँ अगर वही वैल्यू मैं थ्री फेज के लिए लूँ तो क्या बनेगा दैट वैल्यू शुड बी 1.5 ऑफ दी सिंगल फेज रेटिंग, मतलब कि 1 हॉर्स पावर रेटिंग है तो यहाँ पे थ्री फेज के लिए क्या होगा 1.5 मतलब कि 1.5 हॉर्स पावर। अगर हम उसे परसेंटेज में डिनोट करें तो कितना होगा 50% ज़्यादा, क्लियर, या फिर 50% हायर वैल्यूज। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखी है कि दस वी कैन से दैट प्रोडक्ट फॉर डी स्क्वेयर एल फॉर सिंगल फेज मोटर इज 50% हायर वैल्यू फॉर थ्री फेज मोटर्स, मतलब कि डी स्क्वेयर वैल्यू सिंगल फेज के लिए जो भी है अगर वही डी स्क्वेयर एल के लिए मैं थ्री फेज को डिजाइन करता हूँ तो आपके रेटिंग 50% हायर हो जाएंगे। क्लियर?
क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, उसका मतलब क्या हुआ कि 50% ज़्यादा हो रहा है, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेटिंग, जो कि ओरिजिनल रेटिंग सिंगल के फेस के लिए जितना है उसका 50% ज़्यादा, मतलब कि 1.5 टाइम्स ऑफ द रेटिंग फॉर द सिंगल फेज मोटर। क्लियर? ओके। नाउ वन अनदर थिंग दैट द आउटपुट फॉर सिंगल फेज मशीन इज 2/3 ऑफ दैट फॉर द 3-phase मशीन फॉर द सेम डी स्क्वायर है। मतलब कि यहाँ पे जो 2/3 वैल्यू की बात की है, क्योंकि हम 3-phase टू सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपके आउटपुट रेटिंग से वो 2/3 हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 2/3 कैसे होंगे कि सिंगल फेज के रेटिंग है वो 2/3 फॉर दी 3-phase, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ 3-phase बात करें, अगर मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल फेज बात करूँ तो वो बन जाएगा 3/2। क्लियर? एंड डी स्क्वायर आर दी वाउंड, सॉरी डी स्क्वेयर एल इफ ऑल दी स्लॉट्स आर वाउंड इन द फॉरवर्ड मशीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फुल पिच वाइंडिंग लिया हुआ है। ये भी एक कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर वहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग नहीं है, उसमें भी कुछ वेरिएशन आता है, तो आपके डी स्क्वेयर एल में भी वेरिएशन होगा, उसके रिस्पेक्टिव सी जीरो में वेरिएशन होगा, तो उसके ऊपर से दोनों के रेटिंग में भी वेरिएशन आ सकता है। क्लियर? ओके। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार यही पूरी थियरी आपको रिपीट करना चाहूँगा कि कंपैरिजन फॉर द रेटिंग ऑफ द सिंगल फेज एज वेल एज 3-phase इंडक्शन मोटर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका वाइंडिंग फैक्टर है वही आपका वेरी होगा। क्यों? क्योंकि आपका डी स्क्वायर एल कॉन्स्टेंट है और उसका फुल पिच वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम डी स्क्वायर एल अगर हमारा कॉन्स्टेंट है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि आप का वेरिएबल पार्ट रहेगा सिर्फ सी जीरो। सी जीरो इज इक्वल टू 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी इंटू के डब्ल्यू इंटू 10^-3, वेर 11 को हम 1.11 इंटू पाई स्क्वेयर के हिसाब से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद ही है, फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। वन अनदर थिंग, बी ए वी और ए सी जो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग के जो भी पैरामीटर्स है, तो वो दोनों भी कॉन्स्टेंट है, तो बाकी बचता है आपका के डब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर। तो वाइंडिंग फैक्टर के लिए, वाइंडिंग फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब कि के पी एंड के डी, तो इन दोनों के ऊपर वेरी करता है। तो के पी और के डी की वैल्यू आप सिंगल फेज और 3-phase मोटर के लिए फाइंड करोगे। उसके लिए आपको दोनों के लिए जो मैंने पूरी थियरी में एक्सप्लेनेशन दिया है कि π/2 या फिर π/3 या फिर पाई कैसे आता है, तो उसके हिसाब से आपको ये पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। क्लियर? ओके। फुल पिच वाइंडिंग है तो दोनों के लिए पिच फैक्टर 1 रहेगा, तो वो दोनों इस केस में हम ऐसा भी बता सकते हैं कि अगर हम फुल पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं तो आउटपुट डायमेंशन में डी स्क्वायर एल अगर कॉन्स्टेंट रखते हैं तो पूरी वैल्यू सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू वेरी किसकी वजह से हो रही है, के डी जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसकी वजह से। क्लियर? ओके। और उसके बाद हम उस डी स्क्वायर एल का जो भी मल्टीप्लिकेशन है, होर्स पावर इंटू इट्स मल्टीप्लायर कॉन्स्टेंट 0.746 डिवाइड बाय एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर इंटू इट्स वैल्यू फॉर दी वाइंडिंग फैक्टर, उन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो वो रिलेशन मिलेगा 2/3 टाइम्स। उसके ऊपर से आपको कंक्लूजन पॉइंट भी मेंशन करना है। क्लियर? तो ये चीज़ हुई आपकी थियरी पोर्शन के लिए कि भाई, या फिर न्यूमेरिकल में भी ये चीज़ पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, और हर बार इसका जो भी एक क्वेश्चन आपको मैं आंखें बंद करके 7 मार्क का पूछ सकते हैं, उसमें से फर्स्ट और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन टू द एग्जामिनर, अगर कोई एग्जामिनर है, मान लो कि मैं ही आपको बता रहा हूँ, तो मेरे लिए मोस्ट लाइकली क्वेश्चन रहेगा कि भाई कंपेरिजन फॉर सिंगल फेज एंड 3-phase मोटर इफ वी हैव दी वैल्यू फॉर डी स्क्वेयर एल कॉन्स्टेंट एंड एट दैट टाइम दी फुल पिच वाइंडिंग इज यूज। क्लियर? ओके। सो ये हमारा 7 मार्क का क्वेश्चन हुआ। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक इज स्टेटर डिजाइन। सो स्टेटर डिजाइन के लिए हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि भाई स्टेटर डिजाइन में हम इतने पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे या फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट ये स्टेटर डिजाइन भी आप लास्ट पैरामीटर्स या फिर आप लास्ट यूनिट में सिंगल सॉरी
थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन के टाइम पे स्टडी कर चुके हो, तो इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एज पर थी सिलेबस टॉपिक मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, तो आपके लिए ये दोनों एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इसे ले सकते हो कि भाई मेरा एक रिवीजन हो गया। तो उसके लिए आपका टॉपिक बनता है स्टेटर टर्न्स, क्लियर? ओके, सो स्टेटर टर्न्स के लिए अगर मैं आपको बात करूँ कि आपका ईएमएफ का इक्वेशन क्या बनता है, क्योंकि कोई भी मशीन के लिए हम बात करें तो 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव इंटू पी एम जो कि टर्न्स फॉर द मोटर इंटू के डब्ल्यू एम जो कि वाइंडिंग फैक्टर है, टर्न्स फॉर द मशीन भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे ईएमएफ ई जो भी है वो कितना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी अप्लाइड वोल्टेज है कि जितने आप रेटेड इनपुट वोल्टेजेस है उसके 95% जितना आपके स्टेटर में जाता होगा, ऐसा हम स्टैंडर्ड पैरामीटर के हिसाब से अज्यूम करके जा रहे हैं, तो वो 95% हुआ। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है एफ, देन आफ्टर फाइव एम जो कि फ्लक्स पर पोल है, क्योंकि यहाँ पे पर फेज की बात चल रही है तो यहाँ पे फ्लक्स पर पोल की बात चल रही है और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। देन आफ्टर टी एम जो कि टर्न्स जो कि मैक्सिमम टर्न्स है, इन टू के डब्ल्यू एम जो अभी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया वाइंडिंग फैक्टर की बात चल रही है, तो उसके ऊपर से अगर मैं यहाँ पे टर्न्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, ई डिवाइड बाई फोर पॉइंट सॉरी हाँ ई डिवाइड बाई 4.44 एफ फाइव एम इंटू के डब्ल्यू एम, क्लियर? के डब्ल्यू एम, ओके। सो ये चीज़ मैं अगर यहाँ यही चीज़ मैंने यहाँ टर्न्स के लिए डिनोट की हुई है जो कि है ई, यहाँ पे आप कैपिटल ई भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के 95% है ईएमएफ, क्योंकि ये स्मॉल ई क्या रिप्रेजेंट करता है अगर आपको ना पता चले, तो मैं यहाँ पे स्मॉल ई इसलिए लिया है कि भाई ये आपका वोल्टेज एट द स्टेटर साइड है, या फिर स्मॉलर वैल्यू इसीलिए मैंने डिनोट किए क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ है जो भी वो आपका ई बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके स्टेटर की साइड पहुँचता है वो रहेगा स्मॉल ई, तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्मॉल ई डिनोट किया है, क्लियर? ओके, बट समटाइम्स हम कैपिटल ई भी ले सकते हैं क्योंकि नॉर्मली 95% वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली सिंगल फेज के लिए 230 वोल्ट को हम लेके चले तो उसका 5% कम होगा, इट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू 13 वोल्ट का ही फर्क रहेगा, क्लियर? ओके, अप्रोक्सीमेटली 11.5 वोल्टेजेस का वेरिएशन रहेगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैरामीटर फॉलो करते हैं तो वो सारी चीज़ें देखनी भी चाहिए, क्योंकि हम जितनी प्रिसाइज वैल्यू की आदत रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देन आफ्टर द टर्न्स की जो अभी हमने बात की, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी है कि भाई टर्न्स ई डिवाइड बाय 4.44 एफ फाइव इंटू के डब्ल्यू एम और फाइव एम जो कि फ्लक्स है वो कितना है, फ्लक्स पर पोल, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इंटू पाई डी एल डिवाइड बाय पी, क्लियर? मैक्सिमम फ्लक्स, ओके। सो नेक्स्ट थिंग उसके ऊपर से जो बनती है स्टेटर टीथ की, कि उसकी फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लक्स डेंसिटी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की बात कर ली, तो अब हम फ्लक्स डेंसिटी जो कि स्टेटर टीथ की है उसकी बात करेंगे, तो उसका इक्वेशन क्या है, स्टेटर टीथ, ओके। सो यहाँ पे सफिक्स बी टी एस, टी रिप्रेजेंट टीथ, एस रिप्रेजेंट स्टेटर, सो और यहाँ पे जो बी है वो फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, सो बी टी एस मीन्स फ्लक्स डेंसिटी फॉर द स्टेटर टीथ, क्लियर? ओके, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, फ्लक्स फाइव एम डिवाइड बाय स्टेटर स्लॉट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आयन पाथ इंटू डब्ल्यू टी एस जो कि है विथ, क्लियर? विथ फॉर द स्टेटर टीथ डब्ल्यू टी एस, जो कि आपके स्टेटर टीथ की विथ कितनी है उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे, क्लियर? ओके, सो ये इक्वेशन बनता है आपका स्टेटर टीथ के लिए, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन भी आपको मेंशन करने होंगे, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन है स्टेटर कोर, जो कि हम
नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं आपको आपका असाइनमेंट वर्क और जो भी आपका वर्क है उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो आज के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चन रहेगा कंपैरिजन फॉर सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इफ वी हैव सेम वैल्यू फॉर डी स्क्वायर एंड वी हैव बीन यूज फुल पिच वाइंड। ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा जो असाइनमेंट के लिए है, क्लियर? ओके। एंड आपका वर्कशीट का उसके अंदर जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 7 मार्क के लिए ये सारी चीज़ें लिखनी है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि आपका आउटपुट इक्वेशन क्या बनता है, उसमें डी स्क्वायर एल की वैल्यू क्या बनती है, उसमें से सी जीरो में बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी इंटू 10^-3 जो कि कॉन्स्टेंट है वो भी आपको लिखना है। देन आफ्टर आपको के डब्ल्यू मेंशन करना है कि क्या है, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है वो भी लिखनी है। देन आफ्टर के डब्ल्यू इज इक्वल टू के पी इंटू के डी वो भी मेंशन करना है। देन आफ्टर वो चीज़ आप लिख दो, उसके बाद आपको दोनों मशीन्स या फिर सिंगल फेज और थ्री फेज मशीन के लिए के पी और के डी की वैल्यू क्या आती है उसके अंदर भी आपको ये एक्सप्लेन करना है कि के पी इज इक्वल टू 1 y बिकॉज वी आर यूजिंग फुल पिच वाइंडिंग एज मेंशन। और के डी की वैल्यू भी आपको एक्सप्लेन करनी है, वहाँ पर आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो भी है वो सिंगल फेज के लिए 180 डिग्री या फिर पाई डिवाइड बाय 1 रहेगा और यहाँ पे थ्री फेज के लिए पाई बाय 3 तो वहाँ पे 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिवाइड बाय 2 पहले से कर रखा है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ने यहाँ पे हमें 180 डिग्री डिवाइड बाय 1 लिखवाया है लेकिन यहाँ पे के डी में 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 कहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले ही जब हमने एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने ये चीज़ बताई कि भाई आपका जो भी वाइंडिंग है हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय 2 कॉन्स्टेंट दोनों केसेस में रहेगा, इवन कोई भी केसेस में रहेगा। देन आफ्टर ये सारी चीज़ें के बाद आपको ये कंपैरिजन करनी है और ये कंक्लूजन पॉइंट लिखने हैं, क्लियर? तो ये हुआ आपका असाइनमेंट वर्क। और वर्कशीट क्वेश्चन में आपको 3 लिखना है कि स्टेटर टर्न्स, उसके लिए ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है वो सारा। ओके। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टेटर टीथ फ्लक्स डेंसिटी। ओके। ये 2 क्वेश्चन आपके वर्कशीट के, 1 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के लिए, क्लियर? ओके। शायद इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर है आपको कोई इसमें भी डाउट तो आप हमें पूछ सकते हैं एज वेल एज हमारा जो भी डाउट्स है उसमें भी आप ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है? सो हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो भी रहेगा स्टेटर कोर का वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।